हाँ तो सामाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ्फू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन, बहुत बड़ी ये खुशखबरी है भाई, हमारे लिए नहीं बरेलवियों के लिए, कि लुई पुदीनी अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो मिल गई। अब लोग कहेंगे ये है कौन भैया, तो ये जो लुई पुदीनी है ये राहिल खान की डैश डैश है। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। भाई समझने वाले तो भाई समझ ही जाएंगे। तो ये अब कहाँ मिल गई और ये कौन है, अभी इंशाल्लाह मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये देखिए, ये अपने चैनल पे राहिल खान ऑन हक नाम का चैनल है, ये अपने चैनलों पे ये जो फीमेल्स होता है उनके साथ ये मतलब खेलता है गेम। ये देखिए, ये फीमेल है, फीमेल का एक आया हुआ है कमेंट कि मैं जीत गई, तो नीचे राहिल खान ऑन हक आ जाते हैं, बहनों के देवता और हमारे भैया जी, वो कहते हैं कि मतलब ये डैश डैश क्यों जीत गई लुई पुदीनी। क्यों जीत गई लुई पुदीनी, बताइए। लड़कियों से हार जाता है ये जाहिल और आ जाता है अपने बाप अफ्फू खान से पंगा लेने के लिए, शर्म नहीं आती है इसको। सामाइन, मैं किसी के जो ऐब हैं, मैं उनके ऐब को मैं कभी खोलना नहीं चाहता हूँ आवाम में, लेकिन इस जाहिल ने इतनी नीच हरकत की है, गंदी हरकत की है कि आवाम के सामने, अब इंशाल्लाह जो इसकी हकीकत मैं आज मैं इंशाल्लाह लाके रहूँगा और आप लोग इसको खूब सुनिए और खूब शेयर कीजिए कि ये राहिल खान, जाहिल खान, लड़की बाज, लौंडिया बाज, ये कितना बड़ा वाला ये अय्याश इंसान है। ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि ये अपने आप को हक पे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, झूठ की इंतहा कर सकता है। झूठों का तो बादशाह है ये। इसने मक्कारी में तो जो अवार्ड होता है ना, ऑस्कर, वो जीत के ये आया हुआ है। ये इतना बड़ा मक्कार है। तो सामाइन, आइए देखते हैं राहिल खान की लुई पुदीनी ये कौन है और कैसे मिली, आइए आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। तो सामाइन, ये बात तब की है जब जो ये राहिल खान ऑन हक नाम का एक चैनल है, हालांकि इसका नाम होना चाहिए जाहिल खान ऑन हग, क्योंकि जैसे अफ्फू खान का नाम ये सुनता है इसके जो हग होती है ना निकल आती है। तो देखिए सामाइन, ये अपने चैनलों पे जो फीमेल्स हैं, जो हमारी मतलब भाई जो दीनी बहन है उम्मत की, उनको ये अपने जाल में अटकाता था बहन बहन बोल के। तो मैंने उसको समझाया भी कि भाई तू दीन का काम अगर करना है तो दीन का काम कर, तू अपने यार ये चैनल पे क्या मतलब भाई वो गेम खेलता है, लड़कियों से बात करता है, उनसे मतलब भीख में उनका मतलब भाई वो फ़ोन नंबर मांगता है, ये सब हरकतें अच्छी नहीं हैं। तो जैसे मैंने इसकी अय्याशी की पोल खोली और ये आवाम के बीच में ये जैसे साबित हो गया कि भैया मैं तो अय्याश साबित हो गया, लड़की बात साबित हो गया, तो इसने फौरन अपनी लुई पुदीनी के साथ फ़ोन पे बात करके एक बहुत बड़ा गेम खेला। और वो गेम अभी आप जब देखेंगे ना तो आप खुद इंशाअल्लाह कहेंगे कि ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है, मक्कार है, झूठा है, फरेबी है, कि ये खुद को ये अच्छा बताने के लिए, हक पे साबित करने के लिए किसी के ऊपर भी तोहमतबाजी ये कर सकता है। ये एक्चुअल में ये लोग होते हैं ना हक, ये हैं बातिल, लेकिन ये खुद का नाम रख लेते हैं राहिल खान ऑन हक, यानी कि राहिल खान माजल्ला भाई वो हक पर है, मतलब भाई ये फर्जी में हक पे हैं। इनको कहते हैं भाई खुद साख्ता हक पर होना, क्यों? क्योंकि भाई दुनिया जानती है बातिल है, तो लो भाई दुनिया कहेगी इससे अच्छा हम अपने नाम को ही अपना डाल लें ऑन हक, ये जाहिली मुतलक। तो सामाइन, ये बात तब की है जो इनका एक साथी है अब्दुल्ला तोतला, तो आप लोग उसको जानते होंगे, वो सबके पास, तमाम अहले हदीसों के पास वो फ़ोन करता है और माँ बहन की मतलब गंदी गंदी मतलब गालियाँ देता है। तो जो ये लोग थे, इन्होंने एक जो अफवाह थी उसको एकदम से एकदम भाई फैला दिया कि मतलब माज़ अल्लाह
जो अफ्फू खान की जो अहलिया हैं, बीवी हैं, वाइफ हैं, वो किसी हिंदू के साथ माजल्ला भाग गई। तो ये अफवाह इन्होंने स्टार्ट कर दी फैलाना, और उसके बाद बार बार फ़ोन करके हमको मतलब परेशान करते थे, अबे कहाँ है तेरी बीवी, तेरी बीवी आ गई वापस, कहाँ गई तेरी बीवी, किसके साथ थी, तेरी बीवी तो है ही नहीं, तेरे को छोड़ के चली गई। तो इस टाइप से ये लोग सोच रहे थे कि अफ्फू खान को मानसिक तौर से उसको परेशान करेंगे तो वो जो तौहीद का काम कर रहा है उसको करना छोड़ देगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सब अभी बच्चे हैं, अभी ताजे ताजे अंडे में से बाहर आए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये सब मेरे भाई ये जो गेम है, चालाकियां हैं, साजिश है, उसको करके ये अफ्फू खान का जो दीन का काम है उसको रोक देंगे। ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, कभी कभी इंशाल्लाह नहीं होगा। तो अब्दुल्ला तोतले ने एक दिन फ़ोन किया, उसने कहा कि तेरी बीवी भाग गई है, भाग गई है, भाग गई है। तो मैंने कहा यार मेरी जो बीवी है वो तो मेरे साथ है। तो कह रहा अच्छा साथ है तो बात करा। तो मैंने कहा अबे तोतले मैं तेरे से बात कर रहा हूँ अपनी बीवी की। तो कह रहा आवाज़ सुना, आवाज़ सुना, अपनी बीवी की जो आवाज़ है उसको सुना, अगर तू सच्चा है तो दलील दे, आवाज़ सुना। तो मैंने अपनी भाई जो अहलिया थी मैंने उससे कहा कि जान एक मिनट जा बोलो, कोई तोतला है बार बार कहता है कि तुम भाग गई भाग गई, तो मेरी बीवी ने जो बात की वो हमसे बात की, स्पीकर ऑन था। तो उसकी जो ऑडियो अब्दुल्ला तोतले ने वो भाई टेप करके अपने दोस्तों को भेज दी, और उनके जो दोस्त थे इतने कमीने थे कि वो मेरे पास फ़ोन करके पूछ रहे हैं क्या मैं ऑडियो अपलोड कर दूं। तो मैंने कहा भाई अपलोड करना है कर दो, क्योंकि मैं तो जानता हूं अपलोड तो करेंगे, चाहे मैं रोकूं चाहे ना रोकूं। ये तो खुद इंसान को भाई, इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मेरे भाई दीनी इख्तलाफ़ है वो अपना अलग होता है, लेकिन किसी की मतलब जो फैमिली है उस पर हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारी जो अहलिया थी जो उसकी थोड़ी सी आवाज़ जो ऑडियो में आ गई थी उसको अपलोड कर दिया, और ये फैला दिया कि देखो अफ्फू खान की जो बीवी है वो गैर महरम से बात करती है। तो आइए सुनते हैं, ये राहिल खान उर्फ लड़की बाज ने जब मैंने इसकी जो अय्याशी थी उसको आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया, तो उसके बाद इसने अपनी लुई पुदीनी के साथ मिल के एक खेल खेला, और वो खेल है इसके इस वीडियो में, और इसका टॉपिक है कि अफू टट्टी खोर बेनमाजी वहाबी माजल्ला। तो इसको सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। अब बेशक उस पे आफत हुई है, वो अब्दुल्ला भाई से अपनी बीवी की बात करा रहा था। अच्छा वो बात क्यों क्यों कराई ये भी सुनिए, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी नहीं हो तो यूट्यूब पे मौजूद है, सुन सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे छोटा सा वो बता देता हूँ आपको, उसके बारे में समरी दे देता हूँ। हुआ ये था कि इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई थी। अब ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, इसने ही अपने मुंह से ये बात कही थी, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है मेरे। हाँ तो सामाइन अब देखिएगा इसकी एक एक पॉइंट पे जो इसकी औकात है इसको बताऊंगा। मेरी एक भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे भाई यार हम मतलब दावत का काम करते हैं तो माँ बाप मतलब हमारे भाई वो नाराज़ हो गए हैं ये वो है। तो मैं उनको मेरे भाई एक वो एग्जांपल दे रहा था कि भाई देखिए जब दीन का काम करेंगे ना तो आपकी जो फैमिली है अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली से आजमाएगा, आपके माल से आजमाएगा। तो वहाँ पे हमने उससे कहा था कि यार मैं भी इतना फ़ोन पे बात करता था, अब बताओ जो हमारी मतलब जो अहलिया थी यार भाई वो नाराज़ होकर छोड़ के हमको भैया अपनी अम्मा के पास भाई वो पहुँच गई चली गई। तो मैंने उसको एक मेरे भाई एग्जांपल दिया कि जो मेरी बीवी है भाई वो नाराज़ हो गई थी कि आप हैं मतलब भाई फ़ोन पे मतलब खाली इन मतलब जो जोकर लोग हैं उनसे बातें आप मतलब भाई करना बंद कर दो, जो लोग मेरे भाई उल्टा सीधा बोलते हैं गालियां देते हैं आप उनसे काहे के लिए बातें करते हो। तो वो ऐसे नाराज़ हो के वो अपनी माँ के वहाँ भाई वो चली गई थी एक हफ्ते के लिए। और इन्होंने इस बात का क्या मेरे भाई अफवाह फैला दी कि अफ्फू खान की बीवी भाग गई किसी हिंदू के साथ। अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है ये जाहिल खान कि अफ्फू खान ने खुद ऑडियो में कहा है कि उसकी बीवी चली गई, और ये लोग क्या कहते हैं अफ्फू खान की बीवी भाग गई। अल्लाह हू अकबर। चैनल पे भी है, तमाम और चैनल पे भी है। अच्छा
वो छोड़ के चली गई। तो अब ये हुआ कि अब्दुल्ला भाई ने इससे कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई। छोड़ के चली जाए या भाग जाए, बात तो एक ही है, किसके। हाँ तो सामाइन अब देखिए, ये जाहिल खान कह रहा है कि छोड़ के भाई चली जाए या भाग जाए, तो बात तो एक ही है। तो राहिल खान जब छोटा बच्चा था उसकी नाक बिल्कुल बहती रहती थी, जब बेचारा वो निक्कर पहन के अपने स्कूल जाता था तो राहिल खान की जो अम्मी जान थी राहिल को स्कूल के अंदर छोड़ के भाई वो चली जाती थी। अब राहिल खान के जो उसूल है उसके एतबार से अब तो लोगों को कहना चाहिए कि राहिल खान की जो अम्मी जान थी भाई वो माजल्ला भाग गई। अस्तगफरुल्ला, ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि भाई जो राहिल खान की जो अम्मी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपनी माँ मानता हूँ, मैं तमाम लोगों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ। ये मैं खाली इस जाहिल को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो ये लोगों के सामने जो मेरे भाई जो बात होती है उसको एकदम मेरे भाई नमक मसाला मिर्चा चटनी अचार सब कुछ मेरे भाई लगा के जो थोपता है पेश करता है ना, ये उसका जवाब है कि छोड़ के जाना और भाग जाना किसी के साथ, ये दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई राहिल खान की अम्मी जान राहिल को स्कूल छोड़ के चली जाती थी, अब मैं कहूँ कि वो स्कूल छोड़ के भाग जाती थी किसी के साथ, माज़ अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अपने उसूल से अपनी बेइज्जती करवाता है ये जाहिल। आगे सुनिए। राज का ये तो अभी तक राज है। खैर, अब अब्दुल्ला भाई ने कहा तुम्हारी बीवी तो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो इसको बड़ा बुरा लगा। तो एक दिन अब्दुल्ला भाई ने कहा चलो ऐसा करो, अगर तुम्हारी बीवी छोड़ के नहीं गई तो बात कराओ। तो कहने लगा जान बात करो ना, एक तो खुद ये देखिए भाई इतना बड़ा कज़्ज़ाब है मक्कार है, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ कि उस ऑडियो को आवाम के सामने ये पेश करे। अब्दुल्ला तोतले ने ये कहा ही नहीं कि तुम्हारी बीवी चली गई है, नहीं चली गई तो बात करो, वो तोहमत बांध रहा था, तोहमत, ठीक है, तोहमत बांध रहा था वो। और जो तोहमत होती है वो बहुत बड़ा मेरे भाई इल्ज़ाम होता है। खैर आगे सुनिए। जलील होना इसको पता है ना, अभी रेगुलर इंशाल्लाह जलील होगा, इसने जो है अब छेड़ दिया है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और जिस बात को मैं हाँ देखा भाई, ये कह रहा था कि अब इसने छेड़ दिया, यानी कि इसकी जो अय्याशी की जो पोल थी वो मैंने अब खोल दी है, तो अब ये हमको छोड़ेगा नहीं। अबे जा जाहिले मुतलक, तेरे जैसे कितने आए, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 जो हनफी हैं उनसे बात अल्हम्दुलिल्लाह अकेले की है, तेरी क्या हैसियत है बे, तू खाली अपने चैनल पे खाली अफू खान के नाम का वीडियो डाल, लाइव शो कर जो तेरी औकात है, ठीक है, तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी डायरेक्ट फ़ोन कर, उसके बाद पता चलेगा इल्म के मैदान में क्या बात होती है। खैर आगे सुनते हैं। आना चाहता था, अब मैं नहीं छुपाऊंगा, अब वो पब्लिकली आएगी सबके सामने, अभी अच्छा। तो आवाज हुआ है, अभी तो पिक्चर बहुत लंबी चलेगी, देखिए अभी। ये देखिए ये क्या है, अब देखिए इनका जो मेरे भाई कहना है वो क्या कहना है कि जो बात मैं आवाम से मैं छुपाना चाह रहा था अब मैं वो आवाम के बीच में लाऊंगा। अब देखिए अब जो ये बात है अब आने वाली है सामने, लुई पुदीनी। तो हमने इसे कहा कि वो रिकॉर्डिंग अगर मैं YouTube पे डाल दूं तो, कहने लगा डाल दो, तो भाई ठीक है इसकी परमिशन मुझे मिल गई, मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल दी। अब जब रिकॉर्डिंग डाली तो बड़ी मिर्चे लगी हमें इमोशनली जो है वो ये देखिए भाई ये क्या कह रहा है कि इसने हमसे फोन किया और फोन करके पूछा, यानी कि सामान इससे पता चल गया कि ये अफू खान का नौकर है, ये मतलब जो भी काम करता है अफू खान से पूछ के करता है। मेरे सामने थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कर रहा था व्हाट्सएप पे। अच्छा। इस तरह से इमोशनल हो जाऊं शायद तरस खा के हटा दे। अच्छा। बड़ी इसने कोशिशें करी मनाने की लेकिन मैं माना नहीं। अच्छा मैंने अच्छा हटाई नहीं और कयामत तक इंशाल्लाह नहीं हटाऊंगा। अच्छा। चाहे कोई कुछ कर ले। अच्छा। ये सब मामला चलता रहा। अरे भैया तुम वीडियो आराम से रखो, था कयामत तक रखो, था कयामत तक तुम्हारा झूठ, ताकि लोग मेरे पास आराम से सुनते रहे। तू डाल बेटा डाल, अभी आगे देख, अभी तेरी लुई, अभी जो तेरी आने वाली है ना लुई पुदीनी, अभी देख आगे आगे क्या होता है। इसी के कुछ दिनों के बाद अच्छा मेरे पास एक कॉल आई और वो जब कॉल आई तो मेरी उस कॉल पे बात हुई। अच्छा। अब मैं वो बात अगर बताऊं तो मेरी बात लोग कहेंगे कि भाई अपने मुंह से कुछ भी बता रहा है।
जी आपने सुनी होगी। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ वो बात, 14-14 मिनट की बात इंशाल्लाह सुनाऊंगा, है तो वो करीब 48 मिनट की बात, लेकिन मैं सिर्फ आपको 14 मिनट की बात सुनाऊंगा, क्योंकि बंद मुट्टी लात की खुल गई तो खाक की। अभी ये देखिए भाई, 48 मिनट इसने एक माजल्ला गैर महरम से बात किया, अस्तगफुरुल्लाह। बताइए, दूसरों को कह रहा है कि ये तो अपनी बीवी की बात करवाता है गैर महरम से। अरे भैया, मेरी बीवी की इज्जत के ऊपर लोगों ने मेरे भाई अफवाह उड़ा दी कि अफू खान की बीवी माजल्ला भाग गई है, तो मैंने मेरे भाई सच्चाई साबित करने के लिए अपनी बीवी की जो आवाज़ थी भाई, वो ऑडियो में एकदम थोड़ी सी आ गई। तो इसमें इतना हंगामा, मतलब दो जुमले अगर हमारी बीवी के ऑडियो में आ जाएं तो सारे मतलब भैया जो फतवे चालू हो जाएंगे कि अरे देखो, अफू खान ने तो किसी गैर महरम से बात करवा दी अपनी बीवी की, और ये खुद जाहिले मुतलक लड़की बाज अय्याश कज़्ज़ाब ये अपनी लुई पुदीनी से 48 मिनट इसने कॉल पर बात की। अस्तगफुरुल्लाह सामाइन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सुन लीजिए, इसने खुद कहा है कि 48 मिनट की बात है, उसमें से सिर्फ मेरे भाई जो 14 मिनट की बात है वो आज ये पेश करेगा, क्योंकि उसमें जो मेन मकसद है भाई वो पूरा हो जाएगा, आगे की बात ये पता नहीं कब डालेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको जलील इंशाल्लाह करते रहना है। हाँ अभी हो गए जलील, बिल्कुल आओ। इसकी औकात तो कुछ है नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता इसको इसकी औकात याद दिला दूं, इसकी औकात कुछ है ही नहीं तो याद क्या दिलाऊं खाक। ये देखिए भाई, एक तरफ कह रहा अफू खान की तो कोई औकात नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं। अबे जब मेरी कोई औकात नहीं है तो मेरे नाम से लाइव शो, इतने लंबे लंबे वीडियो, और मेरे नाम से अपनी लुई पुदीनी से तू बात करके उसको अफू खान की साली साबित कर रहा है जाहिले मुतलक। अभी देख तेरे को कैसे मैं इंशाल्लाह नंगा करता हूँ। चल बेटा आगे भाग, जल्दी अपनी लुई पुदीनी को लेके आओ भैया, जो ऑडियंस है उसका इंतज़ार कर रही है। भैया लुई पुदीनी सबके सामने हाजिर हों। तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। हाँ सुना भाई, जल्दी सुना। उसको सुनने के बाद ये बताइए, बस इतना बताइए आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं। हाँ क्लियर आ रही है, बताओ। और हाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने मेरे सुन्नी भाई हैं उनका चैनल है वो सब इसको अपने चैनल पे भी अपलोड करें। हाँ तो भैया देखिए, ये चाहता है कि इसकी जो भाई आइटम है ना लुई पुदीनी वो फेमस हो जाए, तो ये अपने भाइयों से कह रहा है कि मेरी जो मतलब जो वो है लुई पुदीनी उसको अपने अपने चैनल पे अपलोड करें ताकि वो भी फेमस हो जाए। अकेले मज़ा नहीं आएगा, अकेले मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मजा तो अब आएगा। अच्छा मज़ा अब आएगा। हाँ मुझे ये बताइएगा कि अब देखिए भैया, राहिल खान कह रहा है यार अकेले मज़ा नहीं आएगा, ठीक है अब आएगा मज़ा, यानी कि अब आ रही है लुई पुदीनी राहिल खान उर्फ जाहिल खान लड़की बाज के साथ आ रही हैं उसकी लुई पुदीनी। अब सुनिएगा, किसी अनजान से गैर महरम से इसने करीब करीब एक घंटा बात किया। माज़ल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आवाज़ आ रही कि नहीं, मैं प्ले करने जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नहीं ये हग है। अच्छा 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 अब मैं जो हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ तो सामाइन, अब मैं भी कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब आप आराम से सुनिए इस जाहिल खान और इसकी लुई पुदीनी की स्टोरी, मतलब बिना सर पैर के 100% झूठ, 100% झूठ। आइए सुनिए। ओके सुनिए, अभी सब पता चलेगा, सुनते जाइए। अबे हाँ सुनाना। अच्छा 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 पहले तो आप ये बताएं कि आप हैं कहाँ मतलब
हाँ तो सामाइन देखिए, अब ये आई हैं लुई पुदीनी जी, अफू खान की बीवी की, मतलब उनकी मतलब भाई ओर से बात करने आई हैं, ठीक है। और राहिल भैया क्या कर रहे हैं, बहनों के देवता, इन्होंने उससे उनका मतलब भाई वो नाम पूछा तो उसने कहा कि नाम से आपको क्या मतलब, और ये अभी तक उससे मतलब बात भी कर रहे हैं। अरे भैया मेरे पास भी मेरे भाई कितनों के फ़ोन आते हैं लड़कियों के, ठीक है भाई। मैं अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये फालतू है, अपना नाम नहीं बता रही, पहचान भाई वो नहीं बता रही, मैं फ़ोन काट देता हूँ, मैं कोई इससे एक घंटा बाद थोड़ी ना करूँगा। लेकिन ये तो मेरे भैया मतलब जब से पैदा हुआ है तब से भाई ये अय्याश है, लौंडियाबाज है। तो भैया इसने सोचा यार लड़की की आवाज़ है, लड़की का फ़ोन आया है, लुई पुदीनी मेरी बात कर रही है, लाओ ज़रा बात कर लें। जाहिल कज़्ज़ाब, एक गैर महरम से अनजान से एक एक घंटा बात करता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और वो जो है ये लुई पुदीनी, ये इतनी बड़ी मतलब बेशरम है, इसको मेरे भाई अल्लाह का खौफ नहीं है, बहुत आई है अफू खान की बीवी की ओर से बात करने हिमायती बनके। अरे अफू खान की मेरे भाई बीवी की ओर से बात करना है तो डायरेक्ट अफू खान की बीवी से बात करना, अफू खान से बात करना। ये राहिल खान कौन है बे, कोई मतलब कोई क्या वो भाई वो मतलब हमारे ख़ानदान का है, हैं? कितनी बड़ी कज़्ज़ाब ये लड़की है, और उससे बड़ा कज़्ज़ाब है इसका भैया उर्फ़ लुई पुदीनी का आशिक। चल बे बात कर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको नहीं जानते, ये देखिए कितना अच्छा गेम चल रहा है जो मतलब भैया हैं सैया हैं वो कह रहे हैं देखिए मैं आपको नहीं जानता, आपने हमको फ़ोन किया है, और वो कह रही हाँ हाँ आप हमको नहीं जानते। अबे तो जब जानता नहीं तो बता क्यों रहा है बे जाहिल, हैं? तेरे को इतना खौफ नहीं है, एक गैर महरम की आवाज़ का भी भाई पर्दा है, ये तेरा ही कॉल है, तूने कहा था जब मैंने अपनी बीवी की सिर्फ आवाज़ को एक जुमले को सुना दिया था तो तूने क्या कहा था, औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। अब कहाँ गया पर्दा, अच्छा पर्दा फट गया भैया ज़रूरत थी मेरी, तो मेरी तो मेरे पे ज़रूरत थी, मेरी बीवी के दामन पे तुम लोग साले इल्ज़ाम लगा रहे थे, अफवाह उड़ा रहे थे, तो मेरी तो मजबूरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने उसकी आवाज़ को मेरे भाई एक जुमला खाली मेरे भाई सुना दिया। तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है जो एक एक घंटा बात कर रहे हो लुई पुदीनी से। चलो आगे सुने इनका झूठ। अच्छा अरे बाप रे मतलब भैया जो ये लुई पुदीनी है ये भी हमको जान गए, क्योंकि हमने इसको भी आवाम के सामने ला दिया ना। हाँ सब हमको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अफू खान को ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। हाँ तो सामाइन अब आप सुनिए, इनकी जो मतलब आइटम है लुई पुदीनी, वो कह रही है कि हम अच्छे से अगर हम ना जानते होते अफू खान को तो हम उनकी बीवी की ओर से बात क्यों करते। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हमको अच्छे से एकदम जानती हैं, ठीक है, इस चीज़ को इंशाल्लाह आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो ये मेरे भाई जो ये औरत है लड़की है क्या है अल्लाह बेहतर जाने, ये कह रही है कि ये अफू खान को अच्छे से जानती है। खैर आइए देखें, नहीं नहीं बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, आप माशाल्लाह हमारी उम्मत की मेरे भाई एक औरत हैं, तो हमारी मेरे भाई आप भाई बहन है, दीनी बहन है, लेकिन आप हैं बहुत मक्कार, आप जो भी हैं मोहतरमा आप हैं बहुत मक्कार। आगे बढ़िए,
बारे में शुरू से आया थे, अल्लाह ने रिश्ता बनाया पाकीज़ा। अच्छा अच्छा, कभी मैं आपको बताता हूँ, आप ही शायद मेरे साथ से भी आपने आज ही कोई भी आपने जो सुना है आपने यूट्यूब पे आधा ही सुना है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। अच्छा, अब ये पूरा बताएंगे। अब देखिए, किसी अनजान से गैर महरम से अब ये पूरी बातें बताएंगे, यानी कुल मिला के इनको बस वो लौंडियों से बात करने का इनको खाली मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अबे लुई पुदीनी और तुम जो आपस में मेरे भाई ये बातचीत करके ये खेल खेल रहे हो और सोच रहे हो कि अफू खान को बदनाम कर देंगे, अबे सामने लेके आना इसको। कौन है लड़की है ये? इसका नंबर शेयर कर, इसका नाम बता। हैं, जाहिल आदमी झूठ बोलता है। अच्छा, हाँ तो सामाइन, इसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को माज़ल्ला अनपढ़ कहा है। भाई मैंने अनपढ़ नहीं कहा, मैंने अल्लाह के नबी को उम्मी कहा था, और उम्मी का माना ये आपका आला हज़रत का भाई ये तर्जुमा है सूरे जुमा सूरा नंबर 62 आयत नंबर इसकी 2 में आता है। उम्मी का माना होता है अनपढ़, आला हज़रत का ये तर्जुमा है, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो भैया उम्मी का माना अनपढ़ होता है। अगर उम्मी का माना अनपढ़ करना अगर ये तौहीन है, तो भैया जाके अपने आला हज़रत को जूता मारो, मेरे को क्यों बदनाम करते हो। खैर आगे सुनिए। हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ, अब भैया से ले लो। मेरा जो मसला है वो ये है कि मैं हूँ सुन्नी हनफी बरेली कट्टर, और ये जो अब्बू खान है ये जमात अहले हदीस से नाम याद अहले हदीस से ताल्लुक रखता है। इसकी जमात के जो इसके खुद के मौलाना है वो ये कह चुके हैं कि ये जाहिल है, और कुछ आलिम ने इसको काफिर तक कहा है। अबे जाहिल खान, तेरे को कयामत तक का टाइम है, हालांकि उससे पहले तेरा इंतकाल हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ तो उस आलिम को सामने ला आम के सामने। कौन से अहले हदीस के मोतबर आलिम दीन ने ये कहा है कि अफू खान माज़ल्ला वो काफिर है, उसको सामने ले क्या। जाहिल झूठ, अपनी लुई पुदीनी के साथ साले को मिलके जो मुंह में आ रहा है बवासीर की तरह एकदम मतलब भौंकते जा रहे हो। कौन से आलिम ने कहा? और सुन बे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस आलिमों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनके वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं, जाके देख लेना कि अफू खान को अहले हदीस के जो आलिम दीन हैं उलमा इकराम हैं क्या वो माज़ल्ला भाई वो काफिर मानते हैं। तौबा तौबा, झूठे मक्कार, लड़की देखी नहीं कि झूठ शुरू। हाँ तो समय ये देखिए, इनकी लुई पुदीनी ने अफू खान की कोई ऑडियो ही आज तक मेरे भाई ना तो देखी ना सुनी, लेकिन उन्होंने राहिल खान की ऑडियो मेरे भैया सुन ली, जिसमें उसने अफू खान की बीवी को माज़ल्ला बदनाम किया, वो ऑडियो सुन ली लुई पुदीनी ने। लेकिन अफू खान के जो 1000 के ऊपर जो मेरे भाई ऑडियोस अपलोड हैं उसको आज तक कभी ना देखा ना सुना, और ये अफू खान को बहुत अच्छे से जानती हैं। कितना झूठ बोलोगे यार, अल्लाह का खौफ नहीं है? तौबा तौबा तौबा, तौबा।
अब देखिए, अब ये पूरी स्टोरी बता रहा है, ठीक है। एक गैर महरम है, उससे मेरे भाई सलाम दुआ करने के बाद उससे फ़ोन काट देना चाहिए था, क्योंकि वो अनजान है, पता नहीं कौन है। और ये पूरी बात इतना मक्खन मलाई एकदम लगा लगा के बता रहा है कि उसकी एक ऑडियो है, उसने कहा मेरी बीवी चली गई। अबे तो चली गई ना, तो तू तो कह रहा है उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। ये लुई पुदीनी और इसका आशिक राहिल खान और जाहिल खान लौंडियाबाज, ये दोनों पागल हो चुके हैं। अब देखिए कैसे एकदम प्यार प्यार से एकदम भिगो भिगो के जूता मारेंगे ये लोग। अबे क्या बंदर समझते हो क्या तुम हम लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हारे जो मेरे भाई जो ये बरेलवियों की जो अंधी तादाद है तुम्हारे चैनल पे, जो तुमको देखती है और तुम्हारी वाहवाही करती है, उनके भी इतनी अकल नहीं है कि राहिल खान से उस औरत का वो जो उसका नाम है नाम पूछे, उसका फोन नंबर मांगे। नहीं कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस सुने जा रहे मजा लेके। जी, देखिए तो मेरे भैया, ये मतलब ये भैया और बहना ये कितने प्यार से बात कर रहे हैं। क्या मेरी बीवी अगर होगी, मेरा कोई पछला मैच होगा तो? अबे बीवी तेरी होगी कहाँ से बे, तू तो रंडवा है, रंडवा, समझा बेटा? तेरी शादी नहीं होगी जाहिल, क्योंकि तू मीठा है, गीला है। तू खाली फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनसे भीख में उनका नंबर मांग। आइए आपको दिखा देता हूँ सामाइन, थोड़ा हम भी खेल लें ये किस तरीके से भीख में जो फीमेल्स होती हैं उनसे उनका नंबर मांगता है। ये देखिए, ये राहिल खान का चैनल है, ठीक है, और चैनल पे ये लड़कियों से नंबर मांगता है, वो मतलब बहन बहन बोल के उनका फ़ोन नंबर मांगता है। ये ऊपर दो फीमेल्स की बात हो रही थी, बीच में ये कूद गया बहनों का देवता। ये देखिए, साजिया खान बहन, नंबर दे दो अपना, हम दोनों की कॉन्फ्रेंस पर वीडियो चैट करा देंगे इंशाल्लाह। वीडियो चैट करा देंगे, लड़कियों को देखना भी चाहता है। अभी तो फ़ोन पे ही बात कर रहा है, कोई पर्दा नहीं है, अब तो वीडियो कॉल पे भी मेरे भाई ये मतलब देखना चाहता है। ए उम्मत की बहनों, इसके चैनल पे ना आओ, ये बहुत बड़ा इश्कबाज है, लौंडियाबाज है। बड़े आए शरीफ बनने। अच्छा, अब्दुल्ला तोतला। अच्छा, हाँ। अब देखिए भैया, ये क्या कह रहा है कि कोई अगर अच्छा इंसान होता, गैरतमंद आदमी होता, तो वो क्या कहता कि चल बे मैं तुझसे अपनी बीवी की बात, मैं भैया हमको नहीं कराना है। यही लाइन मैंने कही 30 ऑडियो में, ये ऑडियो क्यों नहीं डाल रहा है अब्दुल्ला तोतले की? मैंने अब्दुल्ला तोतले से कहा था, अबे तोतले तेरे से अपनी बीवी की बात कराऊँ जाहिले मुतलक, तो जब उसने कहा कि तू सच्चा है तो बात करा, वरना मैं समझूंगा तेरी बीवी भाग गई, तब मैंने मेरे भाई सबूत के तौर पे, दलील के तौर पे, क्योंकि अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दलील के साथ कहता है, तो मेरे भाई दलील के तौर पे मैंने खुद अपनी बीवी से बात की स्पीकर खोल के, और मेरी जो बीवी थी उसका एक दो मेरे भाई जुमला खाली उस ऑडियो में आ गया, और उसके ऊपर तीर का इन्होंने पहाड़ बना दिया। और ये खुद ये बेचारा बहनों का देवता साधु संत, ये किसी की मतलब भाई वो गैर महरम से आराम से पूरा मतलब घंटा भर बात कर रहा है, दुनिया भर की पंचायत कर रहा है, ये जायज़ है, ये जायज़ है। वाह 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 भैया, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू आ थू राहिल खान। हाँ सब हैं ये।
ये देखो लड़की को बता रहा है कि हमारे पास है लैपटॉप देखा हीरोगिरी शुरू। लुई पुदीनी को मर मतलब पानी पर उठाए पड़े कि मेरे पास मतलब वो लैपटॉप भी है, ये भी है, वो भी। अबे तो अनोखा तेरे पास है क्या अबे जाहिल आदमी अब देखिए इसने कहा कि ये जो आपका नंबर है जिससे आपने फ़ोन किया है, क्या ये आपका जो आपका नंबर है इससे क्या आईडी आपकी बनी हुई है व्हाट्सएप पे भी, यानी कि व्हाट्सएप का भी नंबर है? तो उसने कहा जी, यानी कि व्हाट्सएप पे आराम से लुई पुदीनी और ये मतलब बहनों का देवता आपस में पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि आज क्या क्या बात करनी है, हमें फ़ोन करना, ऐसा ऐसा बोलना, अफू खान की बीवी की ओर से बोलना और हम तुम अफू खान की बीवी की तारीफें करना और हम अफू खान के ऊपर जहर उगलना स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों की चाल है। अबे उसका व्हाट्सएप नंबर देना, मैं खुद कह रहा हूँ चल। अबे तू तू सबको छोड़ दे, ये जो लौंडिया बात कर रही है इसको भी छोड़ दे, तू ये बता, मैं खुद कह रहा हूँ अगर ये लड़की, ये औरत, ये लुई पुदीनी अगर ये वाकई अफू खान को जानती है तो मैं मेरे भैया पूरी उठा रहा हूँ जिम्मेदारी। तू इसका नंबर शेयर कर, तू इसका नंबर शेयर कर, यहाँ तक कि हमको भी भेज, मैं खुद इससे अपनी बीवी की बात कराऊंगा जाहिले मुतलक, और मेरी बीवी तुझको तो बाद में, पहले जो तेरी ये है ना ये लुई पुदीनी, पहले इसको जूतों से मारेगी और उसके बाद तेरा क्या होगा कालिया बहन का नाम खराब हो रहा है। अरे बाप रे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मतलब बहन का नाम, यानी कि ये दावा कर रही है कि ये अफू खान की बीवी की बहन है, यानी कि अफू की साली है। वाह, अभी तक तो जो अफू खान था भाई, वो जो ये मतलब जो बरेलवी हैं उनका मेरे भाई क्या था, उनका था दूल्हा भाई। अब तो जो मेरे भाई जो ये जो लुई पुदीनी है उसका भी दूल्हा भाई बन गया, यानी कि वो हमारी साली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि साबित हो गया कि अफू खान ने बरेलवियों का दूल्हा भाई, ठीक है, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वो है बरेलवियों का जीजा जी, उर्फ जो ये भाई जो ये बात कर रही है मैडम जी, ठीक है, अल्लाह जाने ये कौन है। तो आज से मैं इनका भी हो गया जीजा जी। चलिए आगे बताइए। अच्छा अच्छा हाँ, तो देखिए ये मतलब कह रही हैं जो बेचारी ये हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है, नाम तो इनका खाली इनका नाम ही मालूम है, इनका नाम है लुई पुदीनी। तो ये लुई पुदीनी जी कह रही हैं कि अफू खान से हम बात करना नहीं चाहते। अबे तो भाई करोगी कहाँ से, अबे जब हमें जानती होगी तो हमसे बात करोगी ना मेरे भैया, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं किसी औरत से बात थोड़ी ना करता हूँ अनजान हैं, मेरे को क्या मतलब भाई, ये जाहिल खान अय्याश मेरे भाई समझ रखा है कि कोई भी लड़की का फ़ोन आएगा और मुझसे एक एक घंटा बात करके उसको अपलोड कर दूंगा। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अबे ऑडियो मिली है तो वो ऑडियो डालना, कितना झूठ बोलेगा, बार बार कह रहा मैंने अपनी बीवी से बात अब्दुल्ला तोतले की कराई, वो कहाँ कराई, वो ऑडियो पेश कर, झूठे मक्कार कज़ाब। हाँ तो डाल दो भैया, बिल्कुल डाल दो, ताकि भाई तुम्हारे जैसे जाहिलों ने जो ये अफवाह फैला रखी है कि अफू खान की बीवी माजअल्लाह किसी हिंदू के साथ भाग गई, उनकी बोलती बंद हो जाएगी और तुम लोग के मतलब जो कलेजा है उसको थोड़ी मेरे भैया ठंडक मिल जाएगी। हैं, गैर महरम से बात कराई, गैर महरम से बात कराई, अबे खुद तो किससे बात कर रहा है, अपनी अम्मा से बात कर रहा है, अपनी बहन से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है फ़ोन पे? हैं भाई, तेरे जो मेरे भाई जो ये जो खेल है गेम है उसके एतबार से तो ये तो मेरे भाई अनजान है,
यानी कि जो ये तेरे से बात कर रही है, ये कौन सी तेरी महरम है जो तू इतनी देर से बातें कर रहा है? कितना बड़ा कज़्ज़ाब है बे, अबे तेरे को खेल भी नहीं खेलना आता है, अभी बच्चा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये लड़की कौन है भाई? ये लड़की अगर वाकई अपने असल बाप की है तो ये एक बार सामने आ जाए, सामने आ के मेरे इतना कह दे कि अफू खान एक भी टाइम की नमाज को वो माज़ल्लाह नहीं पढ़ता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ता हूं और कौन कौन सी मेरे भैया मैंने कहां कहां पढ़ी हैं। ये इतनी बड़ी कज़्ज़ाब लड़की है, ये जैसा मेरे भाई कज़्ज़ाब, ये जाहिल बरेलवी राहिल खान उर्फ लड़की बाज लौंडिया बाज है, ये उतनी ही कज़्ज़ाब लौंडिया को भी ढूंढ के लाया है, जो इतना बड़ा मेरे भाई झूठा बोहतान बांध रही है कि अफू खान एक भी टाइम की भाई वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा झूठ, मैं अल्लाह की भाई मैं कसम खाता हूँ कि ये जो मेरे भाई लौंडिया है, लड़की है, फीमेल है, मैं इसको क्या कहूँ? इसको अगर राहिल खान वाकई असल अपने अम्मा अब्बा की औलाद है तो इसको आवाम के सामने लेके आए, इसका जो नंबर है उसको शेयर करें। ये मेरी इतनी खास है कि इसको ये भी पता है कि मैं इक्को टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि ये मेरे फैमिली की हुई, और फैमिली की ना हुई तो मान लीजिए भाई आस पड़ोस की हुई भाई, तभी तो उसको मालूम है कि हम नहीं जाते नमाज पढ़ने इक्को टाइम की। तो अगर ये मेरे मतलब इतना ख़ास है तो राहिल खान जो बार बार पूछता है ये अफू खान ये कहाँ रहता है और इसका असली नाम क्या है, इसकी मेरे भाई कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो हमको दे दे, तो ये हमारी इस जो साली है जाके इससे ले लेना। मेरी साली जब इतना जानती है कि उसका जो मतलब भाई जो वो अफू खान है, जीजा जी है, दुला भाई है, वो एक भी टाइम की माज़ल्लाह भाई वो मतलब भाई वो नमाज़ी नहीं पढ़ने जाता है, तो उससे अफू खान की जो फ़ोटो है उसको ले ले और फ़ोटो लेके अपलोड कर रही है। मैं खुद कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ोटो इससे लो उसको अपलोड करो, मेरी बीवी की भी फ़ोटो इससे लो उसको भी अपलोड करो, मेरे पूरे ख़ानदान की फ़ोटो इससे लो उसको अपलोड करो, मेरा जो असली नाम है वो भी इससे पूछ लो, मेरा जो एड्रेस है जो मैं बार बार बताता हूँ तुम लोग कहते हो नहीं वो झूठा एड्रेस है, तो इससे मेरा जो असली एड्रेस है वो भी ले लो। क्यों रुके क्यों हुए हो? जब भैया जो हमारी साली है, अल्लाह जाने पता नहीं कौन सी साली है, साली तो नहीं है लेकिन है ये बहुत साली, ठीक साली नहीं है लेकिन ये है बहुत साली, तो ये जो मेरी साली है जो इतना बड़ा बोहतान बांध रही है कि अफू खान से हम बात भी नहीं करते, लेकिन अफू खान की जो मतलब बीवी है वो हमारी मतलब बहन भी है और हम अफू खान की साली भी हैं और अफू खान तो एक भी टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ता, तो जब उसको इतना अंदर की बात पता है कि मैं कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ने जाता हूँ, कौन कौन सी भैया मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये इतना अंदर तक जानती है, तो इससे मेरा नाम ओरिजिनल वाला पूछ लो, इससे मेरी जो भाई जो फ़ोटोज़ हैं इससे व्हाट्सएप पे ले लो, लो ना अपलोड करो ना, इससे साबित होता है कि तुम लोग झूठे हो। सामाइन इस वीडियो को देखिए और खूब शेयर कीजिए और देखिए ये बरेलवी कितने झूठे होते हैं, अपनी अम्मा बहनों को लाइन पे लेके, अपने आइटम को लाइन पे लेके, अपने दोस्त यारों को लाइन पे लेके, उनको पहले समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा बोलना, और उसके सामने एक अहले सुन्नत अहले हदीस को,
इस तरीके से झूठ बोल बोल के बदनाम करते हैं। अल्लाह सुबहान तआला का आज़ाब नाजिल हो इनके ऊपर, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वाकई ये राहिल खान उर्फ जाहिल खान, अगर ये असल माँ बाप की औलाद है, अब तो मैं इसकी भाषा में इसको समझाऊंगा, असल माँ बाप की औलाद है ये, तो ये इस जो इनकी मैडम है इसका नंबर ये आवाम में शेयर करें। ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई, भाई ये हमारी मतलब भाई ये कौन है, साली है ना, तो मेरी मेरे भैया पूरी है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ जिम्मेदारी। इसका भाई ये नंबर ये शेयर करें और इसको आवाम के सामने लाएं, और मतलब ये समझ लीजिए ये ज़िंदगी में कभी इस औरत का नंबर नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर ये एक बाप की औलाद है तो इसको सामने लेके आए, आए ना मैदान में, आए इसकी जो ये आइटम है लुई पुदीनी, उसको सामने लेके आए। झूठ बोलती है साली, नहीं साली मतलब कोई गाली नहीं है, इसने कहा ना कि मैं अफू खान की बहन की मतलब मैं अफू खान की मतलब बहन हूँ, तो मेरी साली हुई ना, तो ले क्या इस साली को। अरे अनपढ़ कहे, अनपढ़ कहे, अबे तेरे आला हजरत ने उम्मी का माना क्या अनपढ़। इसको इस सज्जाद को छोड़ ले, देख ले वो फोटो में डीपी लगाए है तो उसमें भी वो नंगा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, नंगा अभी है, तेरे अभी तेरे पास भी बेटा कुछ नहीं बचेगा, नहीं मिले उसको। और दूसरी चीज ये, वो कब्र पुजारी कह रहा है, कब्र पुजारी कह रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप जानते हैं कि हमारे प्यारे करीम आका की हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमानों पे लोग जो है वो शिर्क की तोहमत लगाएंगे, लेकिन तोहमत लगाने वाला खुद मुशरिक होगा, तो बात खत्म हो गई। तो ये खुद मुशरिक है, बात खत्म करिए, इसको मुशरिक को मौका दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ तो सामाइन देखिए, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग जो मुसलमान होंगे उन पे जो ये शिर्क है उसका फतवा लगाएंगे। तो भाई एकदम बात सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस उनके ऊपर जो ये मतलब बरेलवी लोग हैं वो लोग फतवा लगाते हैं कि ये देखो अहले हदीस मेरे भाई शिर्क कर रहे हैं और नमाज़ छोड़ देते हैं, नमाज मतलब भाई इसका छोड़ना भी शिर्क है, तो माज़ अल्लाह फतवे तो तुम लगा रहे हो, तो इसका मतलब अल्लाह के नबी की जो हदीस थी जो तुमने पढ़ी वो तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिक भाई वो लागू हो गई। इसको सुनिए, अच्छा 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 ये देखिए पूरा पूरा जुमला बोला कि आप हैं सुन्नी हनफी बरेलवी है। पूरी ट्रेनिंग दी गई है, पूरी ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा ये जो नंबर दिया है ये राहिल खान नहीं, उसको अपना नंबर दिया है कि बेटा मेरी जाने मन मेरे नंबर पे फ़ोन करो, लेकिन वादा करो कि कभी ना बताना है कि ये मैंने अपना नंबर तुमको खुद ही दिया है। अल्लाह अकबर, ये हमारी बहन की बहुत ख़ास है, सॉरी ये हमारी मतलब जो बीवी हैं उनकी बहुत ख़ास हैं, यानी कि मतलब उनकी बहन है। तो मेरे भैया अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो मेरे भाई जो ये लुई पुदीनी है, ये हमारी जो मतलब अहलिया हैं उनकी बहुत ख़ास होने का दावा कर रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका नंबर शेयर करो, मेरी भैया पूरी है जिम्मेदारी, आप इसका नंबर शेयर करो। ये कौन है लौंडिया है? मैं इसको जानना चाहता हूँ, ये कौन हमारी साली होने का दावा कर रही है, ज़रा वो सामने तो आए हैं। वो अपने सैया जी से क्यों बात कर रही इतनी देर से? वो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर तो
अच्छा, अब इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मेरा नंबर, हाँ अब इस पॉइंट को आप लोग भी नोट कीजिएगा कि राहिल खान कह रहे हैं कि नंबर तो भाई, मतलब भाई किसी का किसी को भी मिल जाता है, मतलब भाई किसी का भी किसी को भी अपने आप ही मिल जाता है। वाह रे वाह, मतलब कोई आसमान से आता है फरिश्ता, जाहिल झूठे मक्कार। पर इनको कहीं से मिला है लेकिन इनसे किसी ने वादा किया है ये हमको बता नहीं सकती। अबे तूने तो वादा किया है, वादा दिलाया है। आ हा हा हा, बहन और भैया कैसे बात कर रहे हैं कि वो तो ना नमाजी है ना परहेजगार है, खुद को वो अपने आप को मतलब कहते हैं मुनाजिर। कब कहा मुनाजिर हमने? और मैं नमाज मतलब भाई मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या तुमको मेरे भाई इल्मे गायब आ गया है? यार ये दोनों बहुत बोर कर रहे हैं यार। ये असल में जो ये खेल है ना, ये सास बहू और साजिश, ये बहुत मेरे भाई पुराना हो चुका है। ये लोग साले सास बहू का नाटक देख देख के बस इधर की चुगली उधर, ये सब खेल खेलते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दीन के नाम से इस तरीके का माशाल्लाह घटिया काम करते हैं, झूठ बोल के एक लौंडिया का सहारा लेते हैं। अल्लाह अकबर, अबे मर्द हो तो सामने डायरेक्ट फ़ोन करके बात करो ना, ये अपनी लुई पुदीने को बीच में काहे के लिए बार बार लेके आ जाते हो, ना उसका नंबर डाल लो ना कुछ। अच्छा हाँ, तो भाई इसने कहा है कि मेरे भाई यकीन कीजिए, मैं जो भी बात करूँगा सबूत उसका मिलेगा। तो भैया मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है, और ना तमाम मेरे भाई जो बरेलवी हैं ना उनको यकीन होगा, ना तमाम जो अहले हदीस हैं उनको यकीन होगा, और इस मेरे भाई वीडियो को जो जो देखेगा उसको ये कतई यकीन नहीं होगा, तब तक कि मेरे भाई जब तक आप अपनी इस मेरे भाई जो ये लुई पुदीनी है जो अफू खान की साली होने का दावा कर रही है, इसको आवाम के बीच में ना लेके आएं। या तो इसका नंबर मेरे भाई शेयर कीजिए, और या तो इसका पूरा वीडियो बना के आवाम के सामने डालिए, ताकि हम भी तो देखें ये आखिर है कौन लुई पुदीनी जो अफू खान की बीवी कितनी हमदर्द है। मेरी बीवी तो उसको ढूंढ रही है, इसको सामने लेके आओ। भाई ये हो क्या रहा है भाई, ये मतलब अल्लाह मतलब क्या है, मतलब एक अनजान लड़की है उससे पूरी बातें एक एक खोल के बुराई कर रहा है पीठ पीछे, मतलब बेवा औरतों की तरह हैं। अरे दम है तो सामने आके बात करना मेरे भैया, सामने लेके आ अपनी अपनी जो आइटम है लुई पुदीनी उसको सामने लेके आ, और उससे मेरा आमना सामना करवा दे। मेरे को उससे खाली एक ही सवाल पूछना है कि मेरी प्यारी बहन, आप कोई मेरी साली आली नहीं हो, आप मेरी दीनी बहन हो, इतना बड़ा झूठ बोलने की मेरे भाई आपको क्या मतलब, राहिल ने क्या दे दिया भाई, मतलब वो टॉफ़ी दे दी या मेरे भाई चॉकलेट दे दी या पैसे दे दिए, क्या दे दिया भाई, क्या मिल गया यार, आखिरत में क्या होगा तुम लोगों का? ये देखिए मतलब भाई साली होने का दावा हमारा है, और मेरे भैया मतलब जो तारीफ हो रही है वो हो रही है सामने वाली पार्टी की, और अफू खान के ताल्लुक से बोला जा रहा है, वो नहीं बता पाएगा। अबे तुम लोग को भाई क्या बताएं, एक्टिंग भी नहीं करना आता है। अरे गेम खेल लेते तो ऐसा गेम खेलते कि दोनों लोग ऐसे बात करते कि थोड़ा मेरे भाई लगता ना। अब ये तो मेरे भाई एकदम तुम लोग ने ऐसी बोकस एक्टिंग की कि पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे भाई तुम लोग अनजान हो, अनजान लोग हो ही नहीं तुम लोग, जाहिल मुतलक। अरे हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो मेरी साली जान? अरे हम आपके जीजा जी हैं, दुला भाई हैं, हैं आपकी जो अप्पी जान है आपा जान है उनके शौहर हैं, अरे कभी हमसे भी बात कर लो, इतना नाराज क्यों हो हमसे? आप उस तक ही रखिए अपनी बात।
यार कितनी बात करेगा अपनी लुई पुदीनी से, मतलब दिल है कि मानता नहीं, मतलब लाइन पे कोई मतलब भाई लौंडिया क्या आ गई बातें करना शुरू। ये पहचान होती है लड़की बाजों की। बहुत गौर से इसको सुनिएगा। हाँ सुन रहे हैं। ये देखिए सब ऐसे बता रहे हैं, ये काफिर कहा था रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह भी आपको भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ फला कर रहा हूँ ढमक कर रहा हूँ। रियल नेम तो छोड़िए, अभी आगे क्या क्या उसने बताया है, अभी आपके वो जहनो गुमान भी नहीं है कि इसने बताया क्या क्या है अभी। हाँ रियल नेम बेटा अफू खान का पहले पता करके आओ और उसकी मेरे भाई फोटो लो। ये जो अफू खान की साली होने का दावा कर रही है इससे अफू खान की फ़ोटो लो, उसको अपलोड करो, मैं खुद कह रहा हूँ तुमसे। और जो ये तुम्हारी जो ये आइटम है ना, ये लुई पुदीनी, इसका भी नंबर जरा भाई शेयर करो, ठीक है? आगे देखिए। हाँ सामाइन, इसने क्या कहा कि आप तो अफू खान को जानती हैं पर्सनल। चलिए ठीक है। बड़ा शरीफ है, सब कुछ बोलने के बाद कर रहा है कि अरे मैं आपसे क्या बोलूं, आप औरत जात हैं लड़की जात हैं। आहा बड़ा मतलब दिल में दर्द है इसके औरतों के लिए। वाह वाह लड़की बाज, अबे कितना बड़ा मक्कार है भाई तू। मेरे सामने मेरे पास जिस दिन आएगा ना अपनी जेब से भाई, मैं 100 रुपये का नोट मैं तेरे मुँह पर मारूँगा कि क्या एक्टिंग करता है भाई तू। बहुत बड़ा एक्टर है भाई तू, दिन का काम मेरे भाई औकात नहीं है तेरी करने की, ठीक है? पहले तू मेरे भाई खुद जाके दीन को सीख, उसके बाद मेरे भाई दीन के नाम का बनाना चैनल। ये देखिए ये इनके चैनल पे हो रहा है दीन का काम। सामाइन ये है राहिल खान ऑन हक का चैनल जिसमें ये दीन का काम हो रहा है। अनजान मेरे भैया कोई का फ़ोन आता है इनके हिसाब से, मतलब किसी अनजान का फ़ोन आता है, वो अफू खान की साली होने का दावा करती है और इनको ना उसका नाम पता ना कुछ पता, और वो उससे एक एक घंटा बात कर रहे हैं और पूरी भड़ास अपनी हल्की कर रहे हैं कि अफू खान ने ये कहा, अफू खान ने वो कहा, अफू खान ने ये कहा, अफू खान ने वो कहा। वाह 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 क्या मेरे भाई पिक्चर है भाई। और ऊपर से कहता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, जो मतलब जो पिक्चर है अभी बाकी है, यानी कि अभी और भी मतलब इसकी आइटम्स हैं उनको भी अभी ये लाइन पर आएगा। अभी एक ने दावा किया वो अफू खान की साली हैं, अभी दूसरी से मतलब बात करेगा उसको कह देगा अफू खान की अम्मा है, तीसरी से बात करेगा तो कह देगा नहीं ये खुद ही अफू खान की कौन है बीवी है, और मेरे भाई फिर 8-10 साल बाद बात करेगा कह देगा ये अफू खान की बेटी का फ़ोन आया था। अरे भाई बेटा तुमसे बड़ा जलील आदमी
हमने बहुत देखे हैं, क्योंकि तुम ही इकलौते नहीं हो जलील, तुम्हारे पूरे मेरे भाई जो मसलक है ना उसमें तुम्हारे जैसे बहुत जलील पड़े हुए हैं, ठीक है। और तुम जो कह रहे हो ना अपनी आइटम से कि आप अफू खान की बीवी को जाके समझाइए, तो बेटा मेरी बीवी को लखनऊ आने दो, फिर हम भी आते हैं उसके साथ, हम भी तुम्हारे वहाँ के बैठेंगे, तुम्हारे जो अम्मी जान हैं अब्बू जान हैं उनको तुम्हारे जो ये काले कारनामे हैं उनके सामने रखेंगे, फिर जो हमारी अहलियाँ हैं वो आपकी अम्मी जान से कहेंगी कि अपने जो ये सपूत है जिसको आपने मतलब पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये दूसरों की बीवी पे मतलब भौंकता है और किसी और को लाइन पे लेके वो बोलता है कि ये मेरी बहन है, अफू खान की साली है, और जो मेरा शौहर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, तो मेरी बीवी खुद तुम्हारी अम्मी से कहेंगी कि अम्मी जान अपने बेटे के दो झापड़ मारो मेरे सामने, और वहीं तुम्हारी अम्मी तुम्हें मतलब नंगा करके मारेंगी कि तुमको मैंने ये तालीम दी। अब वो तो पता चलेगा कि भाई आपकी अम्मी अगर माशाल्लाह अच्छी होंगी और अगर उनके अंदर अपने बेटे की एकदम अंधी जो ममता होती है वो नहीं भरी होंगी, तो इंशाल्लाह वो तुमको वहीं दो तमाचे मारेंगी। और अगर मान लो उन्होंने भाई वो नहीं मारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तो हैं ही ना भाई, या तो मेरी साली को सामने पेश करो या तुम भैया आराम से भाई इज्जत से चप्पल जूता खाओ, चप्पल जूतों का हार तुम्हारे गले में डाल के तुम्हारा आराम से वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तुम बेटा परेशान ना हो, बस हमको लखनऊ आने दो, तुमको और तुम्हारी इस आइटम को लुई पुदीनी को दोनों को सामने हाजिर करवा के तुम दोनों का बयानबाजी सब इकट्ठा नोट करवा दूंगा इंशाल्लाह। आप ये समझे कि जिस जमात से है ये अहले हदीस जमात से, इसकी जमात के आलिम है वो खुद कहते हैं कि ये अफू खान जाहिल है, इसका भी वीडियो मौजूद है, मैं आपसे जितनी बात करूं, यह आपसे जितनी बात करेगा इसके पास सबका वीडियो अपलोड है, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ है ये अफू खान के आने का इंतज़ार कर रहा था, इसका मकसद ही है कि अफू खान के तलवे चाटना, अफू खान की एक एक ऑडियो एक एक वीडियो इसके पास रखी हुई है, ये बार बार पूरी मेरे भाई ऑडियो में यही साबित करना चाह रहा है, अफू खान मेन टारगेट है, अफू खान की बीवी की आड़ में अपनी आइटम से बात करके अफू खान को जलील करना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी समझ में आ चुका है और जो आवाम है उनके भी समझ में आ चुका है, और बहुत जल्द तुम्हारी अम्मा और अब्बा के भी समझ में आ जाएगा जब मैं इंशाल्लाह आऊँगा अपनी अहलिया के साथ, ठीक है। जूतों का हार अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हमने दे दिया है, आके डालेंगे और तुम्हारा वीडियो अपलोड होगा इंशाल्लाह। अरे लुई पुदीनी से पूछ लो, अफू खान की जो साली होने का दावा कर रही है उससे पूछ लो हम कहाँ रहते हैं। अरे हम लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, हमारी लुई पुदीनी तो जानती होगी, जब वो इतना जानती है कि अफू खान एक भी टाइम की नमाज माज़ल्ला उसको पढ़ने की तौफीक नहीं है, तो उसको ये भी पता होगा हम कहाँ रहते हैं। पूछो ना, पूछो पूछो लुई पुदीनी से। हाँ तो सामाइन अब आप लोग आप लोग जान गए होंगे कि जो ये जो मतलब बरेलवी होते हैं जब ये इल्म से हार जाते हैं तो मतलब इस टाइप की नीच हरकतें करने लगते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वाकई में यार मैं ये तो जानता था कि जो ये जाहिल खान है ये अय्याश टाइप का है, लड़कीबाज टाइप का है, आवारा टाइप का है और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझता है, हालांकि आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतना बड़ा जाहिल टाइप का होगा। अब अल्फाज तो आ रहे मेरे भैया ज़बान से कुछ और, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, बस ज़बानी करना मेरी आदत नहीं है,
लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा कज़्ज़ाब आदमी है। अगर इसने अपनी लुई पुदीनी का उर्फ जो मेरी साली होने का दावा कर रही है उसका नंबर ना अपलोड किया तो ये दो बाप का होगा, दो बाप का सामाइन। इससे सब लोग इसको मैसेज करें, इसको फ़ोन करें, और इससे सब लोग अफ्फू खान की जो साली होने का दावा कर रही है लुई पुदीनी उसका नंबर मांगे। बस अरे भैया अब तो सारे मतलब सारे रास्ते आसान हो गए ना। अब अफ्फू खान का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और पासपोर्ट इसका कोई काम ही नहीं है। तुमको तो अफ्फू खान की जो साली है वही तुम्हारे सामने आ गई है ना, डायरेक्ट तुमसे बात कर रही है, व्हाट्सएप का नंबर भी है तुम्हारे पास, तो उससे आराम से अफ्फू खान का जो एड्रेस है उसको मांग लो और आ जाओ, और साथ में इसको भी ले आओ। आराम से इज्जत से बैठ के वीडियो के साथ इंशाल्लाह बात हो जाएगी। वीडियो तुम भी आराम से बनाना, हम भी बनाएंगे। तुम अपने चैनल पे अपलोड करना, हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ले आओ, चलो ठीक है, आ जाओ। अब सारी बातें ख़त्म। अब मेरे भाई ना आईडी कार्ड ना आधार कार्ड, सब जाए चूल्हे भाड़ में। लुई पुदीनी जिसको इतना परफेक्ट मालूम है कि अफ्फू खान एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, तो उसको मेरा एड्रेस तो मालूम हो गई। आखिर मेरी साली है, उसकी बहन हमारे साथ भाई रहती है, तो उसको भाई जो हमारा पता है वो तो मालूम ही होगा। तो उससे पता लेके साथ में उसको लेके बेटा आ जाओ, आओ मुन्ना आओ, तुम्हारे लिए बेटा जूतों का हार अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, आओ तुम। हाँ तुम लोग के बाप का नौकर हूँ ना मैं। अबे तो लखनऊ में एयरपोर्ट है, लखनऊ होते हुए जाऊँगा ना, या मैं साले जाहिल आदमी तेरे से पूछ के जाऊँगा। ये देखिए अस्तगफुरुल्लाह, झूठा कज़्ज़ाब। एक तरफ कह रहा है मैं वादा करता हूँ आप, मतलब जो आपकी बात है वो मैं किसी को बताऊँगा नहीं, और इस जाहिल ने ऑडियो अपलोड कर दी। अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा दोगला है। लड़की से पहले खेल हार जाता है, फिर उसी लड़की को धोखा दे देता है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कितना बड़ा मक्कार है। इन्फॉर्मेशन ये लेंगे अफ्फू खान की अपनी आइटम से, और उसको मतलब वादा भी कर रहे हैं कि मैं कोई को मतलब बताऊंगा नहीं। अबे क्यों नहीं बताओगे, ये कौन सा मेरे भैया झूठा वादा है? बताना पड़ेगा तुम्हें। जो जो लड़की तुमको मेरे बारे में बताए कि अफ्फू खान की फ़ोटो ये है, अफ्फू खान की बीवी की फ़ोटो ये है, अफ्फू खान का जो मायका है यहाँ का है, अफ्फू खान की जो मतलब भाई ससुराल है यहाँ की है, अफ्फू खान कहाँ पैदा हुआ, अफ्फू खान कहाँ काम करता है, अफ्फू खान ने मेरे भाई जो पढ़ाई है कहाँ तक की है, और अफ्फू खान की शादी को कितने साल हो गए हैं, शादी में मतलब भाई खाने में क्या क्या आइटम बने हुए थे, कौन सी तारीख को शादी हुई थी, कौन से साल में, सब उससे पूछो और इसको अपलोड करो। ये मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ, अगर तुमने अपलोड ना किया तो तुम दो बाप के, मैं बार बार एक ही लाइन कहूँगा दो बाप के, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी हरकत की है कि जिससे साबित ही नहीं होता एक बाप की औलाद हो, सिर्फ झूठ बोला है तुमने और तुम्हारी इस आइटम ने। अच्छा अच्छा ये देखिए भैया, जो हमारी साली साहिबा हैं वो कह रही हैं कि अफ्फू खान आपके सामने कभी नहीं आएगा। अरे साली साहिबा, आप भी तो पहले सामने आइए। मैं तो मेरे भाई सामने आने के लिए तैयार, तो क्या मैं तो कह रहा हूँ आपको मेरा एड्रेस मालूम है, आपकी माशाल्लाह जो मतलब जो बहन है उनका मैं शौहर हूँ, आप अपनी बहन के वहाँ अपने आशिक जाहिल खान को लेके आइए, मैं तो सामने रहूँगा ना। मैं तो उल्टा चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम दोनों एक साथ कभी सामने नहीं आओगे इंशाल्लाह, और दम है तो सामने आके देखो। अगर एक बाप की औलाद हो तो, एक बाप के नहीं हो तो दो बाप के हो तो भैया तुम्हारा मसला है।